श्री गणेशाय नमः। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन के कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है और इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में 11वें भाव में है। जी हाँ, 11वां भाव यानी लाभ स्थान में चंद्रमा के होने से आपके लिए ये दिन काफी बढ़िया रहने वाला है। आपको ये दिन लाभ जरूर दिलाएगा। इस समय में आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दिन सुबह से ही आप उत्साह और जोश से भरपूर रहोगे। पेंडिंग कामों को इस वक्त आप पूरा कर सकते हैं। इस दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा, टेंशन फ्री रहोगे, पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत करोगे। इस दिन आपको कोई ऐसी खुशी भी प्राप्त हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं। इस समय में आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, परिवार में भी कोई बड़ी खुशी आ सकती है। यह समय निवेश करने के लिए काफ़ी उत्तम है। इस समय में निवेश करने से आपको 4 गुना तक फल प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको इस समय में धन लाभ भी हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं और वो अगर पार्टनरशिप में है तो बिजनेस पार्टनरशिप में आपको अच्छा लाभ इस समय में मिल सकता है। इस समय में आपकी मैरिड लाइफ मधुर रहेगी। घर परिवार में प्यार और शांति का माहौल रहेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आपके पार्टनर से और परिवार से इस समय में आपको पूरा सहयोग मिलेगा। ये समय यात्राएं करने के लिए भी बेहतरीन रहेगा। यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। बिजनेस के लिए अगर आप यात्रा करते हैं या फिर आपके प्रोफेशन के लिए यात्रा करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इस समय में आपकी लव लाइफ में रोमांटिक माहौल रहेगा। लव लाइफ के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। अगर भविष्य के निर्णय लेना चाहते हो या अपने प्यार का इजहार करना चाहते हो तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस समय में आपके पेंडिंग काम पूरे हो सकते हैं। काम करने की गति बढ़ सकती है। आपकी लगभग सारी इच्छाएं पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं। खरीदारी करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी शुभ साबित होगा। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। इस समय में चंद्रमा की कृपा आपको मिल रही है। चंद्रमा आपको एकाग्र कर रहे हैं जिस वजह से कम समय में ज़्यादा विद्या इस समय में आप ग्रहण कर पाओगे। इस समय में आप जैसे चाहोगे वैसे रिजल्ट्स भी ला सकते हो। मेहनत जारी रखना जरूरी रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको प्रशंसा मिलेगी। आपका किया गया काम लोगों को दिखाई देगा। इस समय में आपका मित्रों के बीच उठना बैठना होगा। इस वक्त आप अपनी पर्सनैलिटी पर ज़्यादा ध्यान दोगे। इस समय में आप शौकीन नजर आओगे। आपसे लोग आकर्षित हो सकते हैं। आपकी बोली में मिठास रहेगी, स्वभाव में गंभीरता दिखेगी। समय आपके लिए हर प्रकार से शुभ है। जी हाँ, ये दिन आपके लिए हर तरह से शुभ रहेगा। इस दिन का पूरा लाभ उठाए, अटके पड़े काम इस दिन पूरे कर ले और इस दिन को पूरी तरह से एंजॉय करने की कोशिश जरूर करे। इस दिन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप एनर्जेटिक रहोगे, स्वस्थ और मस्त रहोगे, उत्साह और जोश से भरपूर रहोगे। इस दिन का पूरा लाभ जरूर उठाए। इस दिन आपके लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और 8 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।